गुड मॉर्निंग बच्चे, देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या। अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे हर जगह पे हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंट्रोलेबल है क्योंकि इसको हमको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की हम उतनी यूज़ करते हैं। कन्वीनियंट है, ईजी है, और इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, इंडस्ट्रीज़ में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ये व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है, कैसे ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होती है, इसके कौन से फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करते हैं, हैं, और करंट की अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट को फ्लो करें तो। फर्स्ट अगर आप इसमें देखो तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब हमें पता है, अब आपको पता है एयर करंट और वाटर करंट पता है दोनों को, तो इसमें हम पता है वाटर करंट क्या होता है कि अगर कोई वाटर बह रहा है किसी नदी में से तो वाटर करंट होगा। एयर करंट जो हवा बह रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जिसके थ्रू कोई का चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। वी से डैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई करंट है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम किसी एक दूसरे पर्सन को भी जैसे हम छूते हैं तो हमको बच्चे क्या लगता है, कई बार हम ये नहीं कहते कि करंट लग गया, ठीक है, अपना हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या है कि भाई हमको जो कुछ चार्ज होता है वो फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से हमें करंट का महसूस होता है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इन ए टॉर्च वी नो डैट द सेल्स प्रोवाइड, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर टॉर्च को देखें तो उसमें सेल्स लगे होते हैं या फिर कोई बैटरी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होता है, चार्ज होता है, जिसकी वजह से बल्ब क्या होते हैं, चल जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हमें लाइट को ऑन ऑफ करना होता है उसके लिए भी स्विच होता है। तो स्विच का क्या काम है, बेसिकली स्विच क्या करता है कि जो हमारा लिंक होता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब के बीच में, उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी कि वो क्या करता है, अगर हमें ऑन कर दिया तो वो उस पाथ को जोड़ देगा, अगर हमने ऑफ कर दिया तो उस पाथ को क्या कर देगा, रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी लाइट ऑन होती है और ऑफ होती है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़िए, ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल, अ कंटिन्यूस क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन द इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, जो कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, यानी कि अब उसने कहा कि अगर सर्किट ब्रोकन हो गया, यानी कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो करंट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुकेगा नहीं, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक, अब उस वो कहता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो उसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बताई कि करंट क्या है कि कितने, अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में कितने पर यूनिट टाइम में। यानी कि कोई मान लो कोई एरिया है ए, उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज मान लो क्यू फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एरिया में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स देखो उसने क्या कहा है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि क्या ये रेट बता रहा है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का। इन सर्किट यूजिंग वर नॉट नोन एट द टाइम एंड व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, मतलब अगर ये हम नहीं कह सकते भी कब ऑब्जर्व हुआ। सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि जो करंट है उसके डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज। तो इसने क्या कहा, अगर हम एक सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, करंट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उन पे क्या होता है, हमारा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव से किस साइड जाएंगे, वे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जो करंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या है, अभी देखो उसने जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो एग्जांपल दिया था, डेफिनेशन दी थी, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखो, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए टाइम टी देन द करंट, यानी कि वो ही बोला है कि फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ क्यू थ्रू अ कंडक्टर ए पर्टिकुलर एरिया अक्रॉस पर यूनिट टाइम टी। तो आई हमारे क्या है, करंट की, करंट का है, आई से हम करंट को डिनोट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है, जो विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन नियरली, ये क्यू जो 1 कूलम्ब हमारा किसके इक्वल होता है, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं हम एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और एम्पियर क्यों दिया, क्योंकि जो फर्स्ट कोई फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्होंने इसको क्या बताया था, डिनोट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे हम इसको एम्पियर देते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। उसने क्या किया, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में, तो उसको क्या बोला, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर, अगर स्मॉल क्वांटिटी लेंगे तो उसको मिली एम्पियर में करेंगे, और माइक्रो एम्पियर होगी, और जो इंस्ट्रूमेंटल जो एमीटर होता है, यानी कि जो करंट को मेजर किस में करते हैं, एमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप अपने। नेक्स्ट क्या, अगर आप देखो अभी इसने क्या देखा, एक सर्किट दिखाया हुआ है, ये देखिए हमारा कोई सर्किट है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारी की है, एक तरीके से की लगा लो, स्विच ऑन और ऑफ करने का काम करेगी, ये हमारा क्या लग गया, एमीटर लग गया, ये देखिए हमारा एमीटर हमेशा क्या लगा है, सीरीज में लगा है। ठीक है, ये हमारा कोई बल्ब है, तो जैसे ही हमारी की ऑन हुई, डॉट का मतलब है हमारी की क्या है, ऑन है, ऑन है तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लोएंगे, इस नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपोजिट हो गया, ये हमारा सर्किट का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि हमें इसने आई दिया है, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर द 10 मिनट, यानी कि इसने हमें क्या दिया, टाइम भी दिया है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना है हमें, क्यू निकालना है फ्लो थ्रू द सर्किट, हमें पता है क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू हमारा क्या जाएगा, आई टी के इक्वल, तो ये देखिए क्यू इज इक्वल टू आई टी, करंट हमारा 0.5 एम्पियर है। ठीक है, टाइम इसने हमें दिया है 10 मिनट में, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमारा टाइम का 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकंड, तो इसे हम मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो क्यू हमारा निकल जाएगा 300 कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि जिसमें जो ये बताता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या है, कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसमें, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या है, हमें पता है एम्पियर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब चार्ज, ये हमने अभी पढ़ा था कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या है कि अगर हमने कोई चार्ज फ्लो हुआ है तो व्हाट मेक्स द कोई चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, जैसे एनालॉजी है फ्लो वाटर की, तो फ्लो कैसे होता है वाटर का, या तो वो हाइट होगी, हाइट से हाई से लो की तरफ मूव करेगा, या फिर कोई स्पीड होगी, तो चार्ज जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एज वाटर इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, या इसने क्या कहा है, कोई भी चार्ज कॉपर वायर में अपने आप फ्लो नहीं होता, उसके लिए कुछ पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाटर कोई पानी का ट्यूब ले ले और आपने उसको रख दिया, पाइप ले लो पानी का, और उसमें हम प्रेशर नहीं लगाएंगे तो पानी क्या फ्लो हो जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक उसी तरीके से, इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर कैप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब वाटर फ्लो, उसने क्या कहा, अगर हम पानी को किसी एक नल से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, पानी का नल मान लो खोल दिया, प्रेशर लगा तो पानी क्या होगा, फ्लो होगा। तो उसी तरीके से, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली
इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसने क्या कहा है कि अगर हमारे कोई अगर फ्लो हो रहा है किसी चार्ज में मेटालिक वायर में, वो कोई रोल ग्रेविटी रोल प्ले नहीं करती अर्थ की। कौन रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन किसके मूव के? इलेक्ट्रिक प्रेशर के थ्रू, यानी कि प्रेशर डिफरेंस होता है कि हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जब ये डिफरेंस क्रिएट होगा तभी फ्लो करें। इसको हमने क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस बोला है अलोंग दी कंडक्टर। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या कहता है? इसको हम पोटेंशियल को, यानी कि इस डिफरेंस को किससे क्रिएट करते हैं? हम क्या कर देते हैं? अपने सिग्नल में एक बैटरी को लगा देते हैं जिसमें क्या होता है, वन या मोर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं। जैसे हमारी सर्किट डायग्राम में थी, ये बैटरी थी, यही हमारे क्या करेगी? पोटेंशियल को क्रिएट करेगी। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in the motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. तो उसने क्या कि जैसे हमने सेल को कनेक्ट किया सर्किट एलिमेंट में, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कि जो मेन करंट को कौन मेंटेन करके रखता है, उसकी सेल में जो होती है केमिकल एनर्जी होती है वो उसको मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट। अब इसमें क्या कहा, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वर्क डन पर चार्ज, यानी कि कितना काम हो रहा है पर यूनिट चार्ज में, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे, यानी कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। अगर एसआई यूनिट देखें हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो क्या होगी? वोल्ट होगी, यानी कि वी, जिसको बेसिकली किसके नाम पे दिया, एलेक्सेंड्रो वोल्टा के नाम पे। इसको क्या नाम दिया है? वोल्ट नाम दिया है, इटालियन फिजिक्स। और जो वन वोल्ट, इसका हम देखा है वन वोल्ट हमारा किसके इक्वल हुआ, वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन सर्किट कैरिंग कंडक्टर व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम द वन पॉइंट। यानी कि वन वोल्ट किसके होता है, वन जूल क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और कितना चार्ज है, वन कूलम चार्ज में हमारा वन वोल्ट जो कितना काम हो रहा है वो क्या बताएगा, वन वोल्ट को बताएगा। वोल्ट अगर वोल्टेज है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, बाय द वोल्ट मीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा हमारे पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी पॉइंट में, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि वोल्ट मीटर हमेशा हमारा लगता है पैरेलल में, और जो हमारा एमीटर है यानी कि करंट है, करंट को मेजर करने के लिए हमारा एमीटर हमेशा लगता है सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू कूलम। यानी कि इसने हमें चार्ज दे दिया, क्यों दे दिया, अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग अ पॉइंट वी दे दिया। हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले से सेम हो जाएगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, निकल गया आपका 24 जूल, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, नेम अ डिवाइस डैट हैव टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। वो डिवाइस का नाम बताइए जो मेंटेन कर रखती है पोटेंशियल, तो वोल्ट मीटर होएगा। वोल्ट मीटर क्या कहता है, मेंटेन करने का। वट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वन वोल्ट क्या बताता है कि वन वोल्ट ये बताता है कि वन जूल ऑफ वर्क इज डन चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर हर एक कूलम, वन कूलम चार्ज है और 6 वोल्ट की बैटरी है, तो आप अपना वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक था कि हमने क्या पढ़ा कि हमारा करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन पढ़ी, करंट को किस में नापते हैं ये पढ़ा, फिर हमने वोल्ट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी यूनिट पढ़ी, इसको किस तरीके से नापते हैं हमने ये पढ़ा। अब ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या है कि अगर हम अपना सर्किट बनाते हैं, जैसे इसमें बनाया हुआ था, ये सर्किट हमारा बनाया हुआ है, तो इसमें जो हमारे सिंबल्स हैं इनको कैसे लिखते हैं, ये इसमें हम बेसिकली इन्हीं को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सेल को हम हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हमारे बहुत सारे बैटरी या फिर सेल्स लगाने होंगे तो हम उनका कॉम्बिनेशन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। प्लग की, और ये हमारा की का निशान होता है। अगर इसमें बीच में कोई डॉट नहीं है तो इसका मतलब हमारी की क्या है, ओपन है। अगर इसमें डॉट लगा है तो हमारी की क्या है, क्लोज है। वायर जॉइंट, अगर हमारे दो वायर को जॉइंट करना है तो इस तरीके से दिखाएंगे। अगर हमारी कोई वायर जॉइंट नहीं है तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, यानी कि ये ऊपर वाला होता है कि हमारी वायर जो है उसके ऊपर से जा रही है, जुड़ी हुई नहीं है।
ये निशान हमारे बल्ब को दिखाएगा। एक होता है हमारा रेजिस्टेंस, जिसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। वेरिएबल बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो उनको हम इस तरीके से एरो लगा देंगे, या फिर इस तरीके से ये रियोस्टैट को बताता है, यानी कि रेजिस्टेंस को बहुत सारे। एमीटर यानी कि हमारा एम जो करंट को नापता है उसको ए, और इसके पॉजिटिव, और फिर वोल्टमीटर को इस तरीके से लिखेंगे जो हमारी वोल्टेज को नापता है। तो ये आज के लिए आपका इतना ही बच्चे, इसको पढ़िए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिए या फिर मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि मैम ये मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया, आप मुझे ये बता दीजिए। ओके।